हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं BMEE एंड BMCE जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आज आपको हम कुछ बताएंगे। इसकी एक वीडियो पहले ही आ चुकी है, इसका पूरा सिलेबस भी दे दिया गया है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से पूरा सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था थर्मोडायनामिक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। आज आपको सोर्स ऑफ एनर्जी बताएंगे, पार्ट सेकंड है ये। देखते हैं किन प्रकार की एनर्जियाँ होती हैं और उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं एनर्जी होती क्या है, इसके किन टाइप होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी क्या होती है, ठीक। तो देखिए, एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जितना हम कार्य करते हैं उसी को ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई कार्य करना है और हम उसमें जितनी अपनी एनर्जी लगा देते हैं, ठीक, वही ऊर्जा होती है आपकी। मतलब आपको कोई वर्क दे दिया गया, आप अगर उसका उसको मतलब क्षमता है, आप लोग कर पार ले रहे हैं, तो वही आपकी एनर्जी होती है कि हाँ मतलब हम इतना अधिक कार्य कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक। यह किसी भी पदार्थ में उसकी तेजी तथा चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है। मतलब यह उसके मूवेबल स्थिति में भी पता चल सकती है। यह पदार्थ के साथ संगुणित होती है, जो पदार्थ रहता है उसके साथ उसमें घुली रहती है, और जो वेस्ट मोस्ट है वह ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न करते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऊर्जा जो है उसको हम लोग कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा वह एक फॉर्म से दूसरे रूप में चेंज होता रहता है। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जैसे विद्युत मोटर जो है वह कार्य तो देता है लेकिन उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अतः कई रूपों में होती है, जैसे आंतरिक ऊर्जा रूप में होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है एंड संहत ऊर्जा, बहुत सी ऊर्जाएँ हैं। तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे और उसके पूरे सोर्स कौन कौन से हैं उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो ऊर्जा से ही कार्य संभव है, इसलिए हमें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता पड़ी। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि एक मानव के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वह न तो चल सकेगा और न कोई कार्य कर सकेगा। वही हमने अभी आपको बताया कि अगर ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम एक ही जगह स्थिर रह जाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे देखिए, ऊर्जा जो हमें मिलती है उसकी प्रति यूनिट जो दर रहती है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से आपको पावर की भी डिफिनेशन पता चल गई। अतः पावर के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो जो शक्ति होता है उसके लिए भी आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अतः निष्कर्ष लास्ट में यही निकलता है कि वह कोई कार्य हो या मशीन हो या कोई व्यक्ति हो, उसको जो कार्य है उसको करने के लिए उसे सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। अब देखते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लाभ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के एडवांटेज या लाभ क्या हैं। तो आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा के लाभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को सरलता से ऊर्जा के अन्य रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम लोग आसानी से किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। सेकंड है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से समय की बचत होती है। विद्युत ऊर्जा जो है इससे हमारा जो समय है वह बहुत ही मतलब कोई कार्य बहुत कम समय में हो जाता है। अगर हम कोई वर्क विद्युत ऊर्जा से करते हैं
थर्ड है विद्युत ऊर्जा का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से होता है, इसे एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। फिर है इसके द्वारा चलने वाले यंत्रों की एफिशिएंसी अधिक होती है और वह आसानी से चलते रहते हैं। ठीक, इनकी जो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट वो बहुत ही अधिक रहती है। विद्युत ऊर्जा अनुप्रयोग स्थल पर धुआं तथा धूल आदि नहीं होते हैं, वहाँ साफ सफाई रहती है। जहाँ यह इसका प्रयोग कर किया जाता है वहाँ पर धुआं होने के मतलब चांस नहीं रहते हैं अगर शॉर्ट सर्किट ना हो, और वहाँ पर धूल के कण बहुत कम होते हैं। तो ये थे विद्युत ऊर्जा के लाभ, आप लोग पढ़िएगा, देखते हैं इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला हमारा है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो देखिए प्रायः सभी प्रकार की ऊर्जा हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो प्रकृति में ऊर्जा के बहुत से स्रोत होते हैं, उनको आज देखते हैं और उनका एक एक जो टॉपिक है उसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो के माध्यम से। इसमें देखेंगे केवल हम उसका सोर्स कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला आपका जीवाश्म ईंधन या उष्मीय ऊर्जा स्रोत, जिसे फॉसिल फ्यूल और थर्मल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, पूरा चित्र सहित आपको उसमें हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा तो जान ही लेते हैं। इसमें जो होता है जैसे बहुत पहले उथल पुथल के कारण जो जीव जंतु दब चुके थे उनसे जो एनर्जी मिली है उसको कहते हैं। ठीक, सेकंड जल ऊर्जा स्रोत है। जल ऊर्जा स्रोत मतलब जल से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। फिर है ज्वार ऊर्जा, टेडल एनर्जी, फिर पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल जो आपकी आज बहुत अधिक उपयोग में चल रही है उसको सोलर एनर्जी कह रहे हैं। उसके बाद है जैव द्रव ऊर्जा स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, एंड भू ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत है, जो थर्मल एनर्जी सोर्स। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो के माध्यम से, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको लिख देना है। ठीक, अगर पूछता है व्याख्या कीजिए पूरा, तो आपको इन सब के बारे में लिखना भी पड़ेगा। कोई पांच कह देगा तो इसमें पांच कोई आपके ऊपर है, आप कौन सा पढ़े हैं उसको लिखेंगे। तो और देख लेते हैं आगे, आगे है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे पहले जानिए। तो देखिए कन्वेंशनल या परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वह सोर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मतलब जब से पृथ्वी उत्पत्ति हुई है तब से हम लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, तथा ये प्रकृति में सीमित अवस्था में बचे हुए हैं। ये प्रकृति में अब सीमित अवस्था में बचे हुए हैं, कौन से? परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसका हम बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपका कोयला हो गया। कोयला भी सीमित समय तक ही है, कभी भी वह समाप्त हो सकता है। ऑयल भी, जो आपके ऑयल प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी, एंड जो गैस है उनकी भी, सभी गैसें नहीं, कुछ गैसें हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी बहुत कम मात्रा ही बची हुई है। तो ये आते हैं कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत। सेकंड आता है इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उनको छोड़कर जो अन्य सोर्स बचते हैं उन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। इसमें आपका सोलर आ गया, विंड एनर्जी, मतलब एक प्रकार से यह जान लीजिए कि ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें खुद मनुष्य ने उसका उत्पत्ति किया है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बहुत सी एनर्जियां हैं जिसे मनुष्य ने बनाया है जिससे उसका कार्य चल रहा है। तो ये थे आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अगले पार्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में।